इस व्हीकल को आप लोगों ने रोड पर बहुत बार देखे हो, क्या आपके भी मन में कभी क्वेश्चन आया है कि इस व्हीकल को आगे बढ़ने में कितने दिन लगते हैं, इसके जो टायर्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें जो काम करते हैं लोग वो कितने होते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे क्या, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को कुछ यूनिक चीजें आज की इस वीडियो में पता लगने वाली है दोस्तों। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बहुत बार कैसा है, लोग देखते हैं ये गाड़ी को नहीं क्या, लेकिन कोई पूछता नहीं कितना समय लगता है कितना नहीं। हमने सोचे कि चलो एटलीस्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग पूछते भी नहीं, बस देखते हैं, देख के चले जाते हैं। ये गाड़ियाँ बाकी फिर साथ में चलते हैं, दो साथ में है, एक उधर साथ में आ गया। एवरेज कितना देती है? एवरेज ही मत पूछिए, लेकिन 15 भी 18 भी हो गए, 19 भी हो गए, 20 भी हो गए, 15 और 20 के बीच में रहते ही। कभी जैसे अभी मैं कई दिन हो गया तो थक गया, मैं थक गया, आराम करने कुछ आ गया, फिर कभी ये चलेगा हो गया, कभी हो गया, कभी चार आ गए, कभी चार गए, तीन आ गए। तो फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मन में रहती है कि भाई ये जो गाड़ी जाती है ना, इसको कितना समय लगता है, कहाँ तक जाती है, क्या एवरेज देती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बताया। और जैसे कि इन्होंने बताया, अभी ये बैंगलोर से निकले हैं गाइस, ठीक है, ये गाड़ी लेके ये लोग बैंगलोर से निकले हैं और अभी जा रहे हैं ये लोग उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जा रहे हैं। और बैंगलोर से अभी यहाँ तक हमारे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक इन लोगों को 3 महीना लगा है, ठीक है, 3 महीना लगा है बोल रहे हैं। तो यहाँ से अभी और जाने के लिए 1.5 महीना लगेगा बोल रहे हैं। तो इतना समय लगता है इस व्हीकल को आगे बढ़ने में। व्हीकल्स के जो टायर्स है वो एक्चुअल में कितने हैं तो मैं आपको बताऊँ, 240, ठीक है, 240 व्हीकल के जो टायर्स है दोस्तों, 240 है। आई होप कि मैंने आप लोगों को कुछ नया बताया। ये एक पीछे में आप लोगों को देख सकते हो गाइस, ठीक है, ये वाली भी गाड़ी जो है इनकी साथ में चलती है, आगे में भी आप लोगों को, ये इंजन के समान होता है, सारा चीजें इस पर ही निर्भर होती है, ये जितना भी लोड लेके जाने वाले होते हैं ये दोनों व्हीकल्स के ऊपर ही होता है, देख सकते हो ये पीछे। आई होप कि मैंने आप लोगों को कुछ नया यूनिक नॉलेज आज की इस वीडियो में दिया है। बस हम लोग तो भाई घूमते घूमते कभी कभी किसी जगह पहुंच जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।